Subscribe our channel and press the bell icon. Good morning friends. Welcome to our YouTube channel, and we are going to learn essential English grammar. Today it is the basics of grammar we are going to start, and afterwards we will go for further. Aaj hum ek zaruri video ke sath mein aapke samne hazir hue hain, jo angrezi zuban ka khususi grammar hota hai, zaruri grammar hota hai, उसकी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे इस पहले वीडियो से. सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ अ वर्ड. वर्ड क्या होता है, एक लफ्ज़ क्या होता है. मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट इज टर्म्ड एज वर्ड. अल्फ़ाबेट यानी हर्फ का बामानी मजमुआ एक लफ्ज़ होता है. चलिए देखते हैं व्हाट इज़ अ सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है. A meaningful combination of words is called as a sentence. यानि अल्फाज का बामानी मजमुआ जुमला कहलाता है. A meaningful combination of words is called as a sentence. अब देखेंगे सेंटेंस कौन कौन से हैं. सबसे पहले assertive sentence. Assertive sentence यानी सादा बयानिया जुमला. चलिए देखते हैं कौन से sentence assertive sentence हो सकते हैं. नंबर वन, सीमा कम लेट डेली. सीमा रोज़ाना देरी से आती है. अरहान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. अरहान मेरा अच्छा दोस्त है. यू आर रेडी नाउ. तुम अब तैयार हो. आई डोंट नो मच अबाउट इट. मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता. बेबी लंगूर हैज़ टेकन बनाना. बेबी लंगूर बनाना यानी केला ले चुका. देखेंगे दूसरा, इसमें दूसरी किस्म है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले. पहला है इज़ इट ट्रू, क्या ये सही है. आर यू बिज़ी टुडे, क्या आज आप मसरूफ़ हैं. विल यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं. हैव यू सीन द मूवी, क्या आपने मूवी देखी. हैव यू सीन द मूवी, क्या आप मूवी देख चुके. डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं. ये सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव है, जिसमें ये यस नो टाइप सवालिया जुमले हैं. वर्बल क्वेश्चन भी कह सकते हैं. हम जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें हम दीगर सवालिया जुमलों के बारे में भी बात करेंगे. अब देखते हैं तीसरा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है. ये फजाइय जुमले होते हैं. जैसे कि पहला सेंटेंस है हाउ एस्टॉनिश्ड किंग राया वाज. किंग राया कितना ताज्जुब में था. व्हाट एन अमेजिंग जर्नी इट हैज़ बीन, कितनी हैरत अंगेज ये सफ़र हो चुका. व्हाट अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, कितना बदमिजाज बच्चा. व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, कितनी खूबसूरत लड़की है वो. हाउ हार्ड वर्किंग डॉक्टर कलाम वॉज, डॉक्टर कलाम कितने हार्ड वर्किंग थे या कितने मेहनती थे. अब देखेंगे इसमें चौथी किस्म आती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस है फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, अपना काम वक्त पर ख़त्म करो. डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो. शूट द एनिमी, दुश्मन को ख़त्म करो, शूट करो. डोंट कट ट्रीज, दरख्त मत काटो. कॉल द स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड, तमाम तलबा को मैदान पर बुलवाओ. अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस जिस किस्म के जुमले बयान किए गए हैं, इसे समझ में आता है कि ये हुक्मिया जुमले हैं. तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम अगर गौर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सेंटेंस कैसे हैं. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी फाइल, काम करने वाला. वर्ब यानी फेल. ऑब्जेक्ट यानी मफूल, जिस पर काम किया जाए. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जाप्ता है, फार्मूला है. अब देखिए हमने जो चार सेंटेंसेस पढ़े हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और चौथा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। आप अगर गौर करेंगे तो हम इसे और बेहतर तरीके से अगले वीडियो में इसे बयान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ़।